टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दो बार बोली स्वागत है ना। तो चलिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है। सुबह से आप लोग ने देखा ही होगा कि मतलब कल से मेरे हस्बैंड लंच में नहीं आ रहे, तो टिफिन उनको देना पड़ रहा है। तो सुबह से उठ के रोटी सब्जी उनको दे दिया, लेकिन मुझे ना उसमें सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उतने से खाने में पूरा दिन उनका कैसा जाता है। उनका ब्रेकफास्ट तो करके निकलते ही है, बट फिर भी दाल चावल दोपहर के टाइम पे अगर चावल दाल ये सब्जी अच्छे से भरपेट से ना खाओ, रात के भी हल्का ही खाना होता है, तो फिर कैसे चलता है ना। तो चलिए, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। मैंने बोली देख लेना, थोड़ा सा और बोल लेना कि घर पे आके अगर आप लंच कर सकते हो तो ठीक है। उतने में उनका, और इससे ज्यादा अगर उनको दे दूं ना, अगर सब्जी के साथ रोटी भी चावल भी, तो उनसे नहीं खपता, वो नहीं खा पाते हैं, और उल्टा मुझे बोलते हैं कि इतना सारा तुमने कैसे दे दिए कैसे दे दिए। तो इसलिए थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। तो फिर भी मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, कि कल से मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो आके खाना खा के जा रहा था, उससे ज्यादा बेटर था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मेरा अभी फिर से खाना बने सुबह का तो हो गया है। अभी मैं और एक सब्जी और दाल भी मैंने चला दिया कुकर में, बॉयल भी हो चुका है, और टमाटर की चटनी जो मेरे घर में बनती ही है कभी कभार, ठीक है, तो उतना बनाऊंगी। और आज मैं बनाऊंगी पता है क्या सब्जी, ये देखिए, ये कुकुम्बर और आलू, इसकी सब्जी बनाऊंगी। इसको मैंने काट के भिगो के रख दी, क्योंकि बहुत सारा कुकुम्बर हो गया था सलाद में। अभी बहुत ठंड पड़ गया ना, तो सलाद में तो खा लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना सारा ठंड होता है ना, तो इतना सारा नहीं खा पाते, तो बहुत सारा। तो मैंने सोची चलो ठीक है, आज इसका सब्जी बना देती हूँ। और उसमें आज मैं उस सब्जी में आज डालने वाली हूँ ये देख रहे हैं, मटर दाल है ये, है ना, ये देखिए, इसको मैं पेस्ट बना के इसकी बनाऊंगी बड़े, और इसी से मैं बनाऊंगी आज की ये सब्जी। और सुबह की आलू मटर की सब्जी है, दाल बनेगा, चटनी बनेगा, ये सब्जी, चावल, बस हो गया, इतना बनेगा। और मेरी बेटी क्या कर रही है, चलिए दिखाती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है। क्या कर रही हो, ये देखिए वो कर रही है राइटिंग प्रैक्टिस। चलिए आप देखिए वो कर रही है राइटिंग प्रैक्टिस। थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, ठीक है, और थोड़ा सा समझ में आ जाए, ऐसा ऐसा लिखो, ठीक है, अच्छा बन रहा है, थोड़ा सा और अच्छा करो। मेरी बेटी कर रही है राइटिंग प्रैक्टिस, उसकी अभी अभी क्लास खत्म हुआ है, तो एक टाइम दो टाइम वो उसका राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग अलग समय छोड़ दिया, कि वो थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर ले, हो भी चुका है उसका राइटिंग प्रैक्टिस। और कभी कभी दोपहर के टाइम थोड़ा बहुत लर्न कर, रीडिंग कर लेती है, अभी राइटिंग प्रैक्टिस कर रही है। बस ज्यादा प्रेशर नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, लेकिन इस साल तो कुछ स्कूल का आता पता है नहीं, तो ठीक है, तो घर में थोड़ा सा उसको रखना पड़ता है ऐसे करके, है ना। तो मैंने बोली वाटर कलर भी उसको चाहिए थी, तो मैंने वो भी ला के रख दी। किसी समय टीवी देख लेती है, किसी समय वाटर कलर से कलर कर लेती है, कभी राइटिंग प्रैक्टिस, कभी कंप्यूटर, चल जाते हैं। लेकिन बच्चे बोर हो जाते हैं ना, स्कूल भी बंद है, मतलब ज्यादा यहाँ पे आसपास उसकी छोटे सहेली भी नहीं है, जो थे वो अभी बाहर गाँव घूमने गए हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करूंगी, अभी पहले फटाफट खाना बना लेती हूँ। Thank you.
लंच रेडी है। ये है बड़े वाली सब्जी, ये है टमाटर चटनी, ये है दाल, और ये सुबह जो मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी। और मनोरथ जो कोई लावे, बेटी पढ़ाई पढ़ रही है हनुमान चालीसा, थोड़ा सा दिक्कत है, जीवन फल पावे जारो जुग। फ्रेंड्स, पापा जी का और बेटी का खाना हो चुका है और मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ फिर से बातें करने के लिए। थोड़ी सी तो बातें होनी चाहिए, नहीं मैं तो पूरा दिन काम के चक्कर में बातें नहीं करूँगी तो कैसा लगता है ना। और आप लोग अभी अभी मेरी नए नए फ्रेंड्स बने हों तो फिर आप लोगों के साथ बातें ना करूँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मुझे बातें करना बहुत पसंद है, और ये बातें करने के चलते मेरी एक बात याद आ गई मेरी हिंदी लेके। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, वीक है, तो आप लोग को मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक वीडियो में, मेरी हिंदी बहुत ही वीक है। मेरी हिंदी में अगर जेंडर की थोड़ी सी दिक्कत हो जाए ना तो प्लीज़ आप लोग कुछ माइंड मत कीजिएगा, आप समझ जाइएगा खुद से कि वो क्या बोलना चाह रही है। तो मैं ऐसा ही है, मेरा ऐसा ही है हिंदी का, वो ये हिंदी बातें और हिंदी भाषा लेके बहुत बार मेरा ऐसा फेस हुआ है कि मेरी बात लेके बहुत जन की बहुत मजाक उड़ी है मेरी। तो वो मुझे हर्ट हुई थी उस समय कि देखो मेरी बात लेके हर्ट, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो इंसान मजाक उड़ाते हैं उसको वही आता होगा मजाक उड़ाना, उसको सिखाना नहीं आते होंगे इसलिए वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने कभी ध्यान नहीं दी, कभी कभी बुरा लगते थे, लेकिन मन में वो बात एक थी कि मुझे सीखना है हिंदी, मुझे अच्छे से बोलनी है। तो इसलिए मैंने जो ब्लॉग स्टार्ट की, पहले मैंने सोची थी बंगाली में स्टार्ट करूँगी, बट मैंने नहीं की बंगाली में स्टार्ट, मैं हिंदी में ही की, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रह रही हूँ यहाँ पे तो बंगाली बहुत जन के ऐसा समझ में नहीं आएंगे। और मेरी जो वीडियो है, मैं तो सिर्फ इतनी थोड़ी सी जगह के लिए तो नहीं रखी हूँ ना, मैं तो पूरी सब देखेंगे मुझे मेरी वीडियो को, तो फिर सबको पता चल जाएगा कि मेरी हिंदी और उसमें क्या है। बहुत जन जिन लोग समझदार होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे दिल के होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनको समझ में आ जाएगी कि ये बंदी जो है इसको हिंदी इतने अच्छे से नहीं आती, ये दूसरी लैंग्वेज की होगी इसलिए इसको हिंदी इतने अच्छे से नहीं आती, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। और जो जिसके मन में ऐसा होगा कि देखो ये हिंदी कैसे बोल रही है, इसको कैसे हिंदी आते हैं, तो मेरी मानना है कि उसकी सोच बहुत ही गंदी होगी इसलिए वो ऐसा सोच रही होगी। तो चलिए उसकी सोच के ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं, जो अच्छी चीज़ है उसको हम लोग बटोरते हैं, उसी के ऊपर ही बातें करेंगे, उसी से ही हम लोग अच्छा रिश्ता रखेंगे, है ना। तो मेरी हिंदी को लेके जो किस्सा हुई थी वो एक मैं बताना चाहती हूँ कि मैं तो हिंदी तो बिल्कुल नहीं बोल पाती थी यहाँ पे, जब शुरू में आई थी ना तब मैं बिल्कुल चुप रहती थी क्योंकि क्या बोलूँ, हिंदी तो नहीं आते बिल्कुल। अभी जितना बोल रही हूँ इससे भी 1% भी मेरी हिंदी नहीं आती थी, तो सब चुपचाप रहती थी। और कोई अगर हिंदी में बोले, मेरे हस्बैंड में अगर हिंदी में मेरे साथ कुछ एक दो बातें बोले तो मैं उसको बंगाली में जवाब देती थी, तो वो भी लेके थोड़ी सब बहुत बातें हुई थी। लोग बाग बोले थे कि कैसे हिंदी में नहीं बोल पा रहे, तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो समय समय की बात है। तो अभी तो बहुत मुझे लगता है मैं थोड़ी बहुत हिंदी सीख पाई हूँ, पहले तो इससे मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ इससे भी मतलब एकदम लो कैटेगरी की 0% था हिंदी मेरा तो अभी तो मैं थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन कोशिश करती हूँ कि मेरी हिंदी और अच्छी इम्प्रूव हो और अच्छी इम्प्रूव हो। आप लोग गुड विशेस कीजिए मुझे कि मेरी हिंदी अच्छे से इम्प्रूव हो जाए, मैं आप लोगों के साथ हिंदी में बहुत अच्छे से बात करूँ।
मेरा मानना ये है कि किसी की मजाक कभी नहीं उड़ानी चाहिए। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो तो बुरा मत सोचो। ये मेरी मानना है क्योंकि मैं खुद स्पेशली किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा दोस्त हो चाहे दुश्मन, सब अच्छे से रहे, खुश रहे और अच्छे से खिलखिलाते हुए अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगी। जो लोग ने मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की मेरी हिंदी को लेके, उन लोग को समझ में आ जाएगा जिस दिन मेरी हिंदी और अच्छी हो जाएगी, तो उस दिन उन लोग समझ जाएंगे कि ये कोशिश कर रही है। तो फिर किसी के बारे में मैं बुरा नहीं बोलूँगी। सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, सब मेरे फ्रेंड हैं, तो सब अच्छे से रहे, खुश रहे। और किसी में हर किसी भगवान सब में हर गुण नहीं दे देते हैं, है ना। सबको अपने आप से कोशिश करनी पड़ती है। तो शायद मेरे में भी इतना गुण नहीं है। मैं अपने आप से कोशिश करती हूँ हमेशा कि अच्छा करूँ, बेटर करूँ। और अभी आप लोग मेरे दोस्त बन गए हो तो आप लोग तो मुझे गुड विशेस ज़रूर देंगे, है ना। देंगे ना ज़रूर देना कि मैं मेरी जो ये ब्लॉग स्टार्ट की हूँ इसको मैं बहुत दूर तक ले जा सकूँ और आप लोगों के साथ हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर पाऊँ। और सबको, मतलब जिन लोग ने मुझे गलत प्रूफ किया था, उन लोग को मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ बंगाली नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो हिंदुस्तान में रहती हूँ तो थोड़ी बहुत हिंदी मुझे भी अभी आने लगी है। तो फिर इसलिए मैं किसी को बुरा ना बोलते हुए अब मेरी हिंदी को मैं और अच्छा कर रही हूँ और गुड विशेस के साथ। आप लोग अगर मुझे गुड विशेस दोगे तो उसके साथ। तो चलिए, आज की पूरा काम तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। बेटी का पापा का खाना भी हो चुका है, मैं तो अभी थोड़ी देर में लंच करूँगी। तो चलिए, आज के लिए मेरा ब्लॉग इतना ही। फिर आप लोगों के साथ मिलूंगी एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।